और चलिए आगे बढ़ेंगे। सीकर के अजीतगढ़ में महिला की हत्या और हत्या के बाद महिला का शव जंगल में फेंक कर चले गए। महिला को देर रात घर से उठाकर लाने का आरोप है। थोई पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। डीएसपी गिरधारी लाल शर्मा और थोई थानाधिकारी आलोक पूनिया परिजनों से समझाइश कर रहे हैं, लेकिन परिजनों ने शव उठाने से इनकार किया है। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं परिजन। प्रीतमपुरी के दहकी गांव की घटना, तो महिला की गला रेतकर हत्या और देर रात की हत्या हुई। हत्या के बाद महिला के शव को जंगल में फेंका। देर रात उसके घर से उसको उठाकर ले जाने का आरोप भी है। थोई पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। डीएसपी गिरधारी लाल शर्मा और थोई थानाधिकारी आलोक पूनिया परिजनों से समझाइश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं परिजनों को समझाने की, लेकिन परिजन आक्रोशित है क्योंकि जिस प्रकार की घटना है, एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और ये आरोप भी है कि महिला को रात में उसके घर से उठाकर ले जाया गया। कौन वो लोग थे जो कि उसको घर से उठाकर ले गए और महिला की गला रेत कर हत्या कर उसे देर रात सुनसान जंगल में छोड़कर चले गए। ये दर्दनाक जानकारी। परिजनों ने शव को उठाने से इनकार कर दिया है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर परिजन अड़े हुए हैं। प्रीतमपुरी के दहकी गांव की घटना, और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सीकर से सहयोगी रमेश इस वक्त फुल लाइन पर जुट गए। रमेश, एक महिला की गला रेतकर हत्या की जानकारी सीकर से आई है और जानकारी इसलिए भी क्योंकि परिजनों का आरोप है कि रात को उसको घर से उठाकर ले गया और उसके बाद में उसकी हत्या की, क्या ये पूरी घटना? बिल्कुल जयते, बताना चाहूंगा कि जिले के प्रीतमपुरा जगह है जो थोई थाना इलाके में आते हैं, वहाँ महिला रात को अपने सास ससुर और डेढ़ के साथ सो रही थी। परिजनों का आरोप है कि महिला को करीब 2-2.5 बजे रात्रि को उठा के ले गए और इसके बाद उसकी गला रेत के हत्या की गई है। हत्या की सूचना पर एएसपी हैं, डीएसपी हैं, थानाधिकारी, काफी लोग मौके पे पहुंचे हैं, लेकिन परिजनों का आरोप है कि जब तक हत्यारे नहीं पकड़े जाएंगे तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा। हालांकि पुलिस परिजनों से समझाइश कर रही है, लेकिन मामला काफी गंभीर है क्योंकि महिला के को उठाकर ले जाना और उसके बाद उसकी हत्या करना काफी गंभीर मामला है। उसी को लेकर पुलिस अपने जो एंगल है उससे जांच करे, कई तरीके के एंगल पे जांच हो रही है, लेकिन परिजन अभी इस बात को लेकर अड़े हुए हैं और महिला का शव है वो रख करके प्रदर्शन है वो वहाँ परिजनों ने शुरू किया है और सीधा सा आरोप है कि जिस तरीके से महिला घर में सो रही थी और उसको उठा करके ले गया तो एक गंभीर मामला है। परिजनों ने क्योंकि आरोप लगाया है कि रात को घर में महिला सो रही थी, उसको नींद से जगा करके उठा कर ले गया, उसकी हत्या उसके बाद की, किसी को नामजद किया है, किसी पर शक किया है या संदेह के घेरे में कोई? इस पूरे मामले में जैसे बात करें तो कहीं इनकी पुलिस को एक सुराग भी लगाया क्योंकि घर के बाहर बाइक के निशान मिले हैं, क्योंकि बरसात हुई थी तो लगा है कि 2 या 3 लोग हैं और नामजद डाला कि उन्होंने नहीं किया। अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया हत्या का और लेकिन बाइक के जो टायरों के निशान मिले उसे कहीं कहीं लगता है कि पुलिस को काफी कुछ सुराग हत्यारों के बारे में लगा है, लेकिन अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई और परिजनों का साथ है कि पहले हत्यारे लाओ इसके बाद ही शव उठाया जाएगा। बिल्कुल, चलिए रमेश बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।